ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज किस नए वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद जाना गाइस आप सभी को ऐड फोटो में, एंड यहाँ पे आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गाइस आप सभी को जो मॉडल है कुछ स्टेप्स आप सभी को यहाँ पे लगा लेना है। एंड कुछ स्टेप्स लगाने के बाद अभी आप सभी को डन नहीं करना है, अभी आप सभी को करना क्या है, आप सभी को पहले अपने मॉडल का एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ स्टेप से। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ से जाना है एफएक्स वाले ऑप्शन में, ठीक है। एफएक्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ से जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो मतलब कि यहाँ पे आपको जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे एंड इसके ऊपर एक बार टैप करेंगे एंड इसका अमाउंट एकदम बिल्कुल जीरो कर देंगे एंड यहाँ पे मर्ज कर देंगे। एंड इसका हम गाइस नेगेटिव कलर ले लेंगे एंड इसका हम इस कलर राइज में जाएंगे एंड इसका यहाँ पे हम ब्लू कलर सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे डन कर देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को जाना है ऐसे ब्लेंडिंग मोड में एंड जिसका ब्लेंडिंग मोड है इसका मल्टीप्लाई कर देना है। एंड यहाँ से इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ से थोड़ा सा इरेजर पर क्लिक करके एंड यहाँ से हार्डनेस को कम करके थोड़ा सा नीचे से इरेज कर लेना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। इतना कर लेने के बाद गाइस आप सभी को जो है फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे फोटो को सिंपली कर देना है अब यहाँ पे डन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, अब जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे ये पीएनजी है, ठीक है, ये वाला पीएनजी आप सभी को इस वाले पीएनजी को लेना है एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को अपने मॉडल के पीछे ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो ये सिंपली मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपके उस मॉडल में फिट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा पीएनजी बनाया मैंने, तो इसको आप ऐड कर लेना, काफ़ी अच्छी तरीके से ऐड हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप सभी को इरेजर टूल में जाना है एंड उसके बाद इरेजर में टूल में जाने के बाद हल्का हल्का ऊपर से ना मतलब कि कुछ एरिया है जो कि यहाँ पे ना आपको इरेज करना पड़ेगा जिससे कि आप उसको मतलब मॉडल से मिला पाओगे तभी ऐड होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ इरेज कर लेना हल्का हल्का एंड यहाँ पे देखिएगा गाइस एकदम परफेक्टली लग चुका है, तो यहाँ पे हम कर देंगे डन, ठीक है। तो उसके बाद जो है गाइस आप सभी को अब यहाँ से जाना है ऐड फोटो में एंड यहाँ पे आप सभी को समूरा हेड का पीएनजी मिल जाएगा, ग्लोइंग हेड पीएनजी। तो उसके बाद गाइस जो है आप सभी को उसको लगाना कैसे है, आप सभी को जिस टाइप से लगा लेना है, ठीक है। या तो आप चाहो तो गाइस अपने ओनली हेयर्स भी ढक सकते हो या फिर चाहो तो थोड़ा सा आप जो अपना सर है आपको उसको भी थोड़ा ढक सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से जैसे गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना रख लेना एंड उसके बाद आप सभी को जो यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को अब जाना है ऐड फोटो में एंड आप सभी को एक पीएनजी दूंगा मैं गाइस ये वाला, तो इस वाले पीएनजी को जो है आपको अपने हैंड के पास लगाना है। अगर आपने गाइस कोई फुल टी शर्ट नहीं पहनी हो फुल बाजू की तो आप चाहो तो इस पीएनजी का भी यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी कोई हाफ टी शर्ट होगी तो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसको कुछ इस टाइप से लगा देना है एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को मैं पहले यहाँ पे इसको ऐसे लगा लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर लूँगा, यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरीके से यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद देखिएगा यहाँ पे जो हमारी फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है अभी, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मतलब कि यार थोड़ा ना ये अच्छे से मैनेज हो नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो आप सभी को थोड़ा सा क्या करना है, इस पॉइंट को जो है यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे की तरफ कर लूँगा। एंड अगर आपसे ना हो तो गाइस आप भी कुछ ये जो चार पॉइंट्स होते हैं इस पे आप डन थोड़ा छेड़छाड़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी गाइस फोटो यहाँ पे तो हो चुकी है, तो अब उसके बाद आप सबको क्या करना है, आपको जाना टूल्स में, फिर जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देना एंड इन्वर्ट करके एंड ब्रश को सिलेक्ट करके एंड फोटो को जो है कुछ इस टाइप से जूम करके एंड कुछ ऐसे पेंट कर देना है, ठीक है, जैसे कि मतलब कि थोड़ा साइज को बढ़ा देते हैं, एक पेंट ऐसा कर देना है एंड उसके बाद एक थोड़ा नेक के ऊपर कर देना है एंड यहाँ पे डन करना है। तो गाइस थोड़ा सा अमाउंट मैं बढ़ा लूँगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा एरिया मेरे को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने साइड में गलती से कर दिया पेंट, तो उसको इरेज कर लेंगे एंड यहाँ पे उसके बाद गाइस यहाँ पे हम डन कर देंगे। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना, आप सबको जाना ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको एक पीएनजी और मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस पीएनजी को आप सभी को एक डार्क वाला पीएनजी, इसको आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है, आपके फोटो में ऐड हो जाएगा कुछ इस टाइप से जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको यहाँ पे कर देना डन एंड यहाँ पे हमारी फोटो काफ़ी ऑसम हो चुकी है। तो अब क्या करना, आप सभी को यहाँ पे फोटो कर लेना सेव एंड जो असली रिजल्ट आएगा वो कलर क्रिएशन के बाद ही आएगा। तो गाइस यहाँ पे हम लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेंगे। तो गाइस लाइटरूम ऐप जब तक हमारा ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और यार वीडियो लाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो अब आप सभी को करना है कि साइड में आप सभी को लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को भी आपको थोड़ा सा मतलब कि माइनस कर देना है एंड इसका शेडो जो है इसको आपको थोड़ा बढ़ा देना है एंड व्हाइट है जो गाइस इसको आप सभी को बढ़ा देना है एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा कम कर देना है। एंड उसका जाना कलर्स वाला ऑप्शन में वाइब्रेशन को आप सभी को बढ़ा देना है एंड जो गाइस टेम्परेचर इसका
थोड़ा सा माइनस कर देना है ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ से जाना मिक्स वाले टूल में, कलर्स मिक्स में। एंड उसके बाद आप सभी को ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, इनका थोड़ा ह्यू जो है माइनस करना है ठीक है। एंड जो येलो कलर है इसका भी ह्यू माइनस कर देना है। एंड ऑरेंज कलर है इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर लेते हैं। एंड उसके बाद रेड कलर है जो इसको हम थोड़ा ह्यू माइनस करेंगे, क्योंकि यार रेड कलर का जो बैनर सा दिख रहा है आपको उसको करना है। एंड ब्लू कलर में जाएंगे इसके ह्यू को थोड़ा माइनस कर देंगे एंड इसके सैचुरेशन को प्लस कर देंगे। एंड सेकंड ब्लू वाले में जाएंगे इसके ह्यू को हम प्लस में रखेंगे ठीक है, तो इसको हम प्लस में कर देंगे। एंड उसके बाद जिसका सैचुरेशन इसको भी प्लस में कर देंगे एंड यहाँ पे कर देंगे हम फोटो को डन ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इतना काम हो चुका है, जिसको जाएंगे थ्री पॉइंट्स वाले में। एंड इसके जो शेडो को है हम इसको ले जाएंगे ब्लू टोन में। एंड जिसका मिड टोन है हम इसको भी ब्लू टोन में ले जाएंगे। एंड जो इसका इसका जो हाईलाइट है इसको भी हम ब्लू टोन में ले जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे तो इतना काम हो चुका है, तब कर देंगे यहाँ पे हम डन। एंड उसके बाद जाएंगे कलर्स के नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी हम इसको इंक्रीज कर देंगे। एंड जो फोटो में विग्नेट है वो हमें थोड़ा सा डाल देना है। एंड उसके बाद जो इस नीचे ग्रेन अमाउंट मिलेगा इसको आपको थोड़ा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, फोटो को जो शार्पनेस आप सभी को इसको बढ़ा देना है। एंड जो नॉइज रिडक्शन आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है। एंड जो कलर नॉइज रिडक्शन आप सभी को इसको भी बढ़ा देना है ठीक है। तो जो गाइस हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है गाइस ठीक है। आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर यार आपसे कोई भी भाई चैनल पर आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड और हाँ गाइस आप सभी के लिए मैंने एंड स्क्रीन में दो वीडियो लगाई है ठीक है। तो अगर आप थोड़े से फ्री हो तो प्लीज़ यार इन दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके आप वॉच कर लो। बाकी यार आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल की, तो आप मेरे चैनल के लोगो पर क्लिक करके आप वहाँ पर जाकर मेरी कोई भी वीडियो देख सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।